स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 6 एक्सरसाइज का 6.9 अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। ये बच्चों इनिशियली एट रेस्ट बोला है, यानी कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इट अंडरगोज द वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देन द पावर डिलीवर टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। चार ऑप्शन दिए, आपको एक आंसर बताना है इसमें से। सो बच्चों पावर जो होता है उसका इक्वेशन क्या होगा? पावर पी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी कि वी जीरो प्लस एटी। बट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, सो दैट जीरो प्लस एटी, सो I will get FAT, मोटापा, fat, fatty यानी मोटापा, ठीक है, चर्बी। Now बच्चों acceleration यानी कि force by mass, और ये time हो जाएगा as it is, so power is equals to F square T by m, okay. Now here the constant acceleration motion, so the A is constant. So I will convert this equation in term of A. So now the force is MA. So power is equals to M square A square into T divided by M. MM cut ho gaya. So power is equals to MA square into T. So that power is proportional to T because M and A is constant. So here my answer is B. Thank you.